वेलकम टू माई चैनल सिंडिकेट अकेडमी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैन और कुड. राइट, कैन का प्रयोग क्षमता के लिए करते हैं. राइट, प्रेजेंट की क्षमता. राइट, व्हाट वी कैन डू डेली, जैसे कि हम कोई काम कर सकते हैं ये. राइट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन प्रेजेंट देन वी यूज कैन. और कुड का प्रयोग भूतकाल की क्षमता के लिए करते हैं. राइट, एक तो कुड का प्रयोग और नेक्स्ट है कि कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म. अब कुड का प्रयोग कहां करते हैं, कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां करते हैं और कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां करते हैं. राइट, तो पहले देखिए हम कैन का प्रयोग आपको बताते हैं कि वेयर वी कैन यूज कैन, कि कैन का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं. राइट, वेयर वी कैन डू कैन. जैसे आई कैन रेज द वॉइस अगेंस्ट द इविल्स. अब यहां पे हम प्रेजेंट की क्षमता की बात कर रहे हैं कि हम बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं. राइट, मैं बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा सकता हूं, तो आई कैन. राइट, आई कैन रेज द वॉइस. रेज मीन्स उठाना होता है. वॉइस कहते हैं आवाज, अगेंस्ट कहते हैं विपरीत, और इविल्स कहते हैं बुराइयों के खिलाफ मैं आवाज उठा सकता हूं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. राइट, अब कैन यू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, क्या 100 लोगों के सामने अंग्रेजी बोल सकते हैं. ये भी एक क्षमता की बात हो गई. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी. राइट, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, क्या 100 लोगों के सामने आप अंग्रेजी बोल सकते हैं. राइट, इफ यू हैव कैपेसिटी देन यू कैन स्पीक, इफ यू डोंट हैव कैपेसिटी देन यू कैन नॉट स्पीक अराउंड 100 पीपल. 100 लोगों के आसपास अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं. ऐसे ही अगला है तीसरा, आई कैन हैंडल ऑल द चैलेंजेस. अब ये भी है कि मतलब हैंडल करना चैलेंजेस को, ये भी एक क्षमता की बात हो गई. राइट, तो आई कैन हैंडल ऑल द चैलेंजेस, मैं सारे चैलेंजेस को हैंडल कर सकता हूं. इट मींस आई हैव कैपेसिटी टू हैंडल ऑल द चैलेंजेस, सारे चैलेंजेस को हैंडल करने की मेरे अंदर क्षमता है. ऐसी नंबर फोर्थ है, कैन यू पुट ऑल योर एफर्ट्स, क्या आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं. इनटू योर एक्शन, अपने कामों में जो काम कर रहे हैं. तो यहां पे भी यह है कि क्षमता की बात है. इफ यू कैन पुट ऑल योर एफर्ट्स इन इनटू योर एक्शन देन यू कैन यूज दिस. तो ये तो हमारे हो गए कैन, यानी प्रेजेंट की जो क्षमता की बात करते हैं, देन वी कैन यूज कैन. अब नाउ यू कैन कम ओवर हेयर कि कुड. तो ये सेंटेंस है कि मैं अपनी बात को मीटिंग में मजबूती से नहीं कह सका. नहीं कह सका का मतलब क्या हुआ, टाइम इज ओवर, समय निकल गया, लेकिन मैं अपनी बात को कह नहीं सका. तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, आई कुड नॉट एडवोकेट. एडवोकेट का मतलब होता है अपनी बात को मजबूती से कहना. राइट, देन वी कैन राइट आई कुड नॉट एडवोकेट माई पॉइंट्स, मैं अपनी बात को मजबूती से नहीं कह सका. कहाँ नहीं कह सका, इन द मीटिंग. यानी ये हमारी क्षमता, यानी कुड का प्रयोग हो गया कि टाइम इज ओवर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं कर सकता था लेकिन मैं अपनी बात को कह नहीं सका. आपका भाई इस काम को कर सकता था. अब क्या है, टाइम यहां पर भी ओवर हो गया है, कर सकता था. यहां पे क्या है, सका केवल, कर नहीं सका, यहां पे कर सकता था. राइट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, योर ब्रदर कुड हैव डन दिस वर्क, आपका भाई इस काम को कर सकता था. हमने क्या लिखा, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. राइट, यहां पर वह काम कर सकता था. अगला है कि एटीएम से पैसे निकाले जा सकते थे. अब देखिए इसमें क्या है, आपका भाई इस काम को कर सकता था और एटीएम से पैसे निकाले जा सकते थे. यानी आपका भाई यहां पे डूअर दिया हुआ है. डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं. ये काम करने वाला दिया हुआ है, लेकिन यहां पे क्या है, एटीएम से पैसे निकाले जा सकते थे, पैसे केवल, करने वाला नहीं दिया हुआ है. राइट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मनी. राइट, मनी कुड हैव बीन विड्रॉन. विड्रॉन का मतलब है निकाले जा सकते थे फ्रॉम एटीएम. अब यहां पे करने वाला नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या लिखा, कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म.
राइट ये वाला जो हमने बताया था इस तरीके से वी कैन यूज दिस राइट। तो ये सेंटेंसेस जितने भी सेंटेंसेस हैं ये इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट देन वी कैन यूज, इफ वी टॉक अबाउट टाइम इज ओवर जब समय निकल चुका हो देन वी कैन यूज कुड, तो हम कुड का प्रयोग करते हैं राइट। और कुड के वैसे भी और भी प्रयोग हैं, जैसे मान लो आप किसी बंदे से ये कह रहे हो कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, अगर हम यहां पे एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो भी हम लिख सकते हैं कि कुड आई हैव, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। अब यहां पे हमने अगर एक रिक्वेस्ट करी तो भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं, कुड आई हैव योर पेन प्लीज। किसी से हमें स्कूटी मांगनी है देन वी कैन से अबाउट दैट कुड आई हैव योर स्कूटी प्लीज, क्या हम आपकी स्कूटी ले सकते हैं राइट। तो